देखिए हम लोग पूरी टीम में यहाँ लगी हुई है, चाहे वो एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की हो, चाहे हमारे आपदा विभाग के सारे प्रशासन पदाधिकारी जितने भी लोग हैं, सब लोग यहाँ लगे हुए हैं। पूरी तरह से हम मुस्तैद हैं। हम समझते हैं कि इस आपदा से निपटने के लिए हमारे एसएस महोदय भी दरभंगा में गए हुए हैं, तो सब लोग पूरी जिले को जितने भी प्रभावित हैं, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है 16 जिला और 13 जिला, सब जगह अलर्ट मोड पर है। डीएम को वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। हम किसी भी आपदा से लड़ने के लिए तैयार हैं। कहीं पर भी कहीं पर खबर आती है तो हम राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग नाव, बहुत सारी संख्या में नाव हम लोगों ने हायर किया है, बोट एम्बुलेंस है हमारे पास, राहत शिविर हमारे चल रहे हैं, हम लोगों को ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, जल संसाधन की भी टीम लगी हुई है। कहीं पर तटबंध टूटने की खबर आई तो वहां पर लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। तो हम समझते हैं कि हम मुस्तैद हैं, तैयार हैं, और केंद्र सरकार भी, माननीय नित्यानंद राय जी भी कल हमारी वार्ता हुई थी, केंद्र सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। कहीं पर जरूरत हम लोग ऐसी लगेगा कि केंद्र सरकार से और सहायता की जरूरत है तो पूरी तरह से तैयार है। और भी रिजर्व टीम हमारे यहाँ, स्टैटिक टीम भी एनडीआरएफ की है कि कहीं जरूरत है तो उनको भेजा जाएगा। तो हम लोग इस आपदा से निपटने के लिए मुस्तैद हैं और हम लोग आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इससे हम लोग निपटारा पा लेंगे। देखिए अभी अभी 28 टीमें हैं हमारे पास, और 3-4 टीम अभी बनारस से 3 टीम आ रही है और रांची से भी आ रही है, और 7 टीम जैसा कि अभी हमको जानकारी मिला कि स्टैटिक भी है, तो पर्याप्त संख्या में है। और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे और जल्द से जल्द भी मुहैया होगा। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी स्थिति कंट्रोल में। वॉर रूम में हम लोग देख रहे हैं कि रिवर्स के जो डेटा है वो यहाँ पर आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं। जी जी, किस तरीके से ये यहाँ ये देखिएगा, आप देखेंगे कि इसमें कहाँ पर पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, गंडक है, जो भी नदियां हैं, कोसी है, ये सब दिख रहा है आपको। बारिश का आप देखेंगे कि कहाँ पर बारिश होना है, क्या हुआ, तो सब चीजों का लाइटनिंग होना है क्या, ये सारा चीज यहाँ पर मॉनिटरिंग किया जा रहा है। यहाँ पर सब लोग लगे हुए हैं और मिनट टू मिनट यहाँ पर होता है, और हम समझते हैं कि पूरी सक्षम और टीम यहाँ पर लगी हुई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। सरकार पूरी तरह सजग है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी व्यक्तिगत तौर पर अथी कर रहे हैं, जो प्रभावित फैमिली है, प्रभावित लोग हैं, उन पर राहत भी पहुंचाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 4 तारीख को हम लोग उनसे बंटवाएंगे भी, जो हम 7,000 रूपया सबको देते हैं, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इस आपदा से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इसे निपटारा पा लेंगे। धन्यवाद।